लॉ ऑफ टॉट्स के इस लेक्चर सीरीज में अपने अब तक के वीडियोस में हमने ट्रेस पास के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। हमने ट्रेस पास को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, पहला ट्रेस पास टू प्रॉपर्टी और दूसरा ट्रेस पास टू बॉडी। ट्रेस पास टू प्रॉपर्टी में हम दो तरह के ट्रेस पास को पढ़ते हैं, पहला ट्रेस पास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरा ट्रेस पास टू मूवेबल प्रॉपर्टी। वहीं दूसरी तरफ ट्रेस पास टू बॉडी में हम तीन तरह के ट्रेस पास को समझते हैं, असॉल्ट, बैटरी और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। अपने अब तक के वीडियोस में पिछले दो क्लासेस में हमने ट्रेस पास टू बॉडी में असॉल्ट और बैटरी के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को डिटेल्ड वे में विथ केस लॉज समझ लिया है। अगर आप वीडियो में नए हो और असॉल्ट, बैटरी या लॉ ऑफ टॉट्स के अदर किसी टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हो, जैसे इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया, ओबी जस एबी रेमेडियम, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर वीडियोस ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम ट्रेस पास टू बॉडी में फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को कवर करेंगे और हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, राइट? चलिए, तो हमने जाना कि हम ट्रेस पास को दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, पहला ट्रेस पास टू प्रॉपर्टी और दूसरा ट्रेस पास टू बॉडी। ट्रेस पास टू प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं ट्रेस पास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड ट्रेस पास टू मूवेबल प्रॉपर्टी। वहीं ट्रेस पास टू बॉडी में हम पढ़ते हैं असॉल्ट के बारे में, बैटरी के बारे में और लास्ट में हम पढ़ते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के बारे में। तो टुडे वी विल डिस्कस द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। राइट, देखो वर्ड है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट मीन्स किसी व्यक्ति को उसके कंसेंट के बिना कैद करके रखना। तो इम्प्रिजनमेंट मीन्स कारावास या कैद, और फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मीन्स जिस पर्सन को किसी पर्सन ने कैद करके रखा है या कन्फाइंड करके रखा है या डिटेन करके रखा है, बिना किसी रीजनेबल कॉज के रखा है, बिना लॉफुल जस्टिफिकेशन के उस पर्सन को कन्फाइंड करके रखा गया है किसी दूसरे पर्सन के द्वारा, तो ये क्या है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। क्या हम कह सकते हैं इट मींस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट? तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मींस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अगेंस्ट द विश ऑफ अदर पर्सन विदाउट प्रोबेबल कॉज, विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, नोन एज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड इट इज अ काइंड ऑफ टॉर्ट। क्योंकि अगर आप उसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, उसे टोटली रिस्ट्रेन कर रहे हो, कन्फाइन कर दे रहे हो और मजबूर कर दे रहे हो कि वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर स्ट्रिक्टली एक पोजीशन में रहे,
वो किसी डायरेक्शन में मूव ना कर सके, तो यानी आपने उसके आर्टिकल 21 विच टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कहीं ना कहीं आप उसके आर्टिकल 21 को वॉयलेट कर रहे हो। तो ये क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ टॉर्ट। और अगर हम और स्पेसिफिकली बात करें तो ये है ट्रेसपास अगेंस्ट बॉडी, राइट। आईपीसी का सेक्शन 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को एक ऑफेंस मानता है। वहीं बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू होगा, जो हमारे आईपीसी को कंप्लीटली रिपील कर देगा, उस भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 127 सब सेक्शन 1 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में बात करता है, राइट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के मूवमेंट को कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर देता है, रिस्ट्रेन कर देता है, उसे कन्फाइन करके किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर रख देता है, तो ये उसके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वॉयलेशन है। और ये जो एक्टिविटी है उस पर्सन के अगेंस्ट टॉर्ट है, राइट। तो इट इज बेसिकली रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ वन पर्सन अगेंस्ट हिज विश, अगेंस्ट हिज कंसेंट, विदाउट लीगल कॉज, विदाउट प्रोबेबल कॉज, विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन। इट इज नोन एज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो यहां पे जो हम बात कर रहे हैं, एक पर्सन जो दूसरे पर्सन के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है, तो दिस पर्सन इज प्राइवेट पर्सन। ये जो पर्सन है वो क्या है? प्राइवेट पर्सन है, ऑर्डिनरी पर्सन है, ही इज नॉट अ पुलिसमैन, या इसे लॉफुल अथॉरिटी नहीं दिया गया है किसी पर्सन को कन्फाइन करके रखने का। और ये पर्सन जो कुछ भी कर रहा है इज डूइंग फॉर हिज ओन सेक, ये अपने लिए कर रहा है, तो ये क्या है? ये है फॉल्स इंप्रिजनमेंट, राइट। तो फॉल्स इंप्रिजनमेंट रेफर्स टू इंटेंशनल, यहां पे इस पर्सन का इंटेंशन था कि ये पर्सन सामने वाले पर्सन को टोटली रिस्ट्रेन कर दे किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर। अब ये जो पर्टिकुलर प्लेस है ये कोई भी एरिया हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर गार्डन में एक पर्सन था जिस पर्सन को चार लोग चारों तरफ से सर्किल में इसे घेर लेते हैं और इसके मूवमेंट को कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ये पर्सन ना आगे जा पाता है, ना पीछे, ना दाएं ना बाएं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो पांच पर्सन्स हैं, इन पांच पर्सन्स ने मिलकर के इस पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइंड कर दिया है एक पर्टिकुलर प्लेस पर, और इन पांचों पर्सन्स ने इसके मूवमेंट को कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो देयर मस्ट बी कंप्लीट रिस्ट्रेनिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ वन पर्सन बाय अदर, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स इंप्रिजनमेंट हो जाएगा। तो एक क्या है? इंटेंशनल एक्ट ऑफ रिस्ट्रेनिंग समवन्स फिजिकल फ्रीडम विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन अगेंस्ट हिज विश विदाउट प्रोबेबल कॉज, आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है किस वजह से आप ऐसा कर रहे हो, तो आपका ये जो एक्ट है, चाहे आप सिंगल करो या आप और पर्सन की हेल्प लेकर करो, तो ये क्या है? टॉर्ट है, और इसके लिए आप लाइबल हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर डिटेन्स अ कस्टमर विदाउट एविडेंस ऑफ थेफ्ट, शॉपकीपर एक्यूजेस अ कस्टमर ऑफ थेफ्ट विदाउट एनी कॉन्क्रीट एविडेंसेस, इन रेस्पॉन्स शॉपकीपर लॉक्स द डोर,
preventing the customer from leaving the store until authorities arrive. If shopkeepers' acquisitions are baseless, this act may constitute false imprisonment. Suppose ये था shopkeeper, इसने केवल चोरी के शक में एक कस्टमर को एक रूम में बंद कर देता है और बाहर से लॉक कर देता है. हालांकि इस शॉपकीपर के पास कॉन्क्रीट एविडेंसेस नहीं थे कि जो चोरी है वो इसी कस्टमर ने किया है, और बाद में इस कस्टमर के अगेंस्ट में कोई एविडेंसेस नहीं मिलता है, तो ये जो कस्टमर है इस शॉपकीपर के अगेंस्ट फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का शूट फाइल कर सकता है. राइट. क्योंकि जो एलिगेशंस था वो बेसलेस था, और बिना कॉन्क्रीट एविडेंसेस के आपने उसके मूवमेंट को कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, तो देयर मस्ट बी कंप्लीट रिस्ट्रेनिंग रिगार्डिंग मूवमेंट ऑफ दैट पर्सन. तो क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं इसके? इंटेंशनल कन्फाइनमेंट, लैक ऑफ कंसेंट, अवेयरनेस अबाउट कन्फाइनमेंट. जिस पर्सन को आप कन्फाइंड कर रहे हो उसे इसके बारे में जानकारी है, ही इज इन कॉन्शियस स्टेट. चौथा, रिस्ट्रेनिंग मूवमेंट एब्सोल्यूटली, आप उसके मूवमेंट को कंप्लीटली रिस्ट्रेन कर रहे हो. अच्छा, डिफेंसेस कब आप ले सकते हो? आपने किसी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइंड कर दिया किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर, तो आप कब डिफेंस ले सकते हो, कब आप बच सकते हो? पैरा डिफेंस आप ले सकते हो कि कंसेंट, उस पर्सन ने अपना कंसेंट दिया था, फिर चाहे वो कंसेंट एक्सप्रेस कंसेंट हो या इंप्लाइड कंसेंट हो. इफ यू आर एबल टू प्रूव दैट कंसेंट वॉज गिवन बाय दैट पर्सन, तो इस केस में आप डिफेंस ले सकते हो और आप बच सकते हो. दूसरा, लीगल अथॉरिटी एंड प्रिविलेज. जैसे उसे रेस्ट्रेन करने का आपके पास लीगल अथॉरिटी था, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर, राइट, किसी पर्टिकुलर ऑफेंस में या किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के एप्रिहेंशन में, या उसके अगेंस्ट कहीं किसी पर्सन से कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ था उसके इन्वॉल्वमेंट को लेकर के किसी ऑफेंस में, इसलिए आपने उसे कन्फाइन कर रखा था और आपके पास लॉफुल अथॉरिटी था ऐसा करने का, तो यहां भी आप डिफेंस ले सकते हो. तो एक बड़ा ही फेमस केस है हमारे पास, भीम सिंह एमएलए वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. पेटिशनर जो कि एक एमएलए थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्हें रॉन्गफुली डिटेन किया जाता है पुलिस अथॉरिटीज के द्वारा 24 घंटे से ज्यादा समय के लिए, ताकि असेंबली सेशंस को वो अटेंड ना कर सके. उन्होंने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का सूट फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये जो था वो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट था पुलिस अथॉरिटीज के द्वारा, और उन्हें कॉम्पनसेशन ग्रांट किया गया. दूसरा केस है बर्ड वर्सेस जोन्स. इस केस में यह कहा गया कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने से रोक देते हो, लेकिन जिस डायरेक्शन से वो आया था आप उसे पीछे जाने के लिए अलाउ कर देते हो. ध्यान से सुनो. इट वॉज हेल्ड दैट इफ अ पर्सन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर आप किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए, जाने के लिए रोक दे रहे हो, लेकिन आप उसे अलाउ कर रहे हो कि आप जहां से आए थे, जिस डायरेक्शन से आप यहां आए थे, उस डायरेक्शन में आप चले जाओ, तो ये जो एक्ट है ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पे एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन नहीं है ऑन द मूवमेंट ऑफ दैट पर्सन. और अगर एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं है,
क्योंकि हमने एसेंशियल एलिमेंट्स में ये जाना कि देयर मस्ट बी एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट ऑन द मूवमेंट ऑफ दैट पर्सन, राइट। अब जैसे कोई टीचर है, उसने स्टूडेंट्स को होमवर्क दिया था और उन स्टूडेंट्स में से कोई एक स्टूडेंट होमवर्क करके नहीं आया था और उस टीचर ने ये पनिशमेंट दिया कि रिसेस के बाद तुम 4 घंटे इसी पर्टिकुलर जगह पर खड़े रहोगे, यहां से कहीं जाओगे नहीं, तो उस टीचर का वो जो एक्ट है ये भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में आएगा। दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टॉर्ट। तो ये जो कन्फाइनमेंट है ये किसी पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है अंडर ओपन स्काई, जैसे किसी पार्क में या किसी जगह पर चार लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और बीच में एक पर्सन था, उसके मूवमेंट को कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये भी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। या शॉपकीपर ने कस्टमर को दूसरे रूम में लॉक कर दिया, तो ये भी क्या है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। और ये जो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया जा रहा है उस पर्सन के द्वारा किया जा रहा है जो कि लॉफुली ऑथराइज नहीं है ऐसा करने के लिए, और वो ये जो टॉर्ट कर रहा है बिना किसी प्रोबेबल कॉज के कर रहा है, बिना किसी कॉन्क्रीट एविडेंसेस के कर रहा है, उसके कंसेंट के बगैर कर रहा है और टोटल रेस्ट्रेंट है, और वो पर्सन जान रहा है जिसको रेस्ट्रेन किया जा रहा है। तो दीज आर सम एसेंशियल एलिमेंट्स एंड दीज वर 2 केसेस, भीम सिंह एमएलए वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा बॉर्ज वर्सेस जोन्स। तो ये था रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का कॉन्सेप्ट, जिसे हमने डिटेल में कवर किया। आई होप कि जो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इस लायक हो गए अब कि आप अपने वर्ड्स में इसे डिफाइन कर सकते हो, इसके एलिमेंट्स लिख सकते हो और पीस लॉज डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए या आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर सकते हो या आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आईडी है ra.jan9827। तो हमने ट्रेसपास के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को आज कवर कर लिया है, असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, ट्रेसपास टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रेसपास टू मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रेसपास क्या होता है, इन सभी एस्पेक्ट्स को हमने विथ एग्जांपल्स, विथ केस लॉज डिटेल वे में समझ लिया है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के बारे में, जो कि एक टॉर्ट है। फिर हम डिफेमेशन के बारे में बात करेंगे, न्यूजेंस के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे कन्वर्जन के बारे में। तो 4 क्लासेस और हैं, फिर आपका लॉ ऑफ टॉर्ट का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी कॉलेज से हो, अगर आप लॉ ऑफ टॉर्ट के पेपर में बैठते हो तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं वीडियो से आएंगे, राइट। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।